हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं आपके लिए इनसाइट इनलाइन सिक्स और इनलाइन सेवन कैसे कनेक्ट करते हैं। यह आप देख सकते हैं हमारे डैशबोर्ड पर। मैंने इनसाइट ओपन किया और यहाँ पर मैंने इनसाइट ओपन करने के बाद अब यहाँ सेलेक्ट करेंगे हम, जहाँ पर आपको मेरा माउस दिख रहा होगा, ये जो ओपन हुआ है यहाँ पर आपको अडैप्टर के नेम मिलेंगे। इनलाइन सिक्स यूज़ कर रहे हो तो इनलाइन सिक्स पर क्लिक करें और इनलाइन सेवन कर रहे हो तो इनलाइन सेवन पर क्लिक करें। मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए ईसीएम इमेज पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का पेज मिलेगा। ये पेज आपको दर्शाता है यहाँ पे ब्रक ऑर्डर तैयार है, जिसे आप गाड़ी में कनेक्ट करोगे। तो यहाँ पर आपको इनलेशन और फाइनल वर्क ऑर्डर तैयार होता है। यहाँ पर ओके पे क्लिक करूँगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो वर्क ऑर्डर इसी में दिख रही है वो ये है कि जिस जिस गाड़ी में हमने लैपटॉप कनेक्ट किया है वो सारी इमेजें यहाँ मिलेगी। ये आपको समझाने के लिए राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कनेक्ट का बटन करेंगे तो ये इमेज कनेक्ट हो जाएगी और इसके सारे फीचर में क्या था हमें पता चलेगा। जैसे हमने कनेक्ट किया तो नीचे आपको दिख रहा होगा एक ब्लू कलर का बटन और नीचे कनेक्ट ईसीएम लिखा हुआ आ रहा होगा। हमने कनेक्ट किया, कनेक्ट हो गया हमारा लैपटॉप। यहाँ पे आपको, और अगर आप गाड़ी में कनेक्ट करोगे ना तो आपको ऊपर कनेक्ट ईसीएम को कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, ये आपको समझ में आया। और अब हम आगे इनसाइट के फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। यहाँ से हमने क्लोज किया, अभी हमने डिस्कनेक्ट किया, ठीक है सर। यहाँ पर ये फोल्ड कोड जो लिखा हुआ है कनेक्ट के नीचे, यहाँ पर हमें जितने भी फोल्ड कोड आते हैं वो सारे यहाँ पर हमें दिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर डाटा मॉनिटर है, डाटा मॉनिटर के अंदर आपको सारे डाटा की डिटेल मिलेगी, मतलब कौन सा सेंसर कितना काम कर रहा है। ये हमारा ईसीएम डायग्नोस्टिक टेस्ट है। यहाँ पर आपको कटआउट टेस्ट, डोजर टेस्ट, लीक टेस्ट, रीजनरेशन आफ्टर बिफोर, फैन कंट्रोल, सारी टेस्ट जितने भी एक्चुएटर टेस्ट आते हैं वो आप सब यहाँ मिलेंगे। उसके बाद आता है हमारा एडवांस ईसीएम डाटा। यहाँ पर ईसीएम में कुछ ज़्यादा आरपीएम गए हैं तो यहाँ से हम एडवांस ईसीएम डाटा में देख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा फीचर है पैरामीटर, जो गाड़ी के पैरामीटर्स हैं वो सारे यहाँ सेट होंगे, जहाँ से हम आरपीएम भी सेट कर सकते हैं और गाड़ी का लोड, गाड़ी का हेवी लाइट बटन की स्पीड कंट्रोल। और इसके बाद हमने खोला है कैलिब्रेशन, जो हमारा महत्वपूर्ण काम करता है। आज हम आपको बेसिक सिखा रहे हैं, इसके बाद एक बार एक वीडियो और हम डालेंगे, उसमें आपको सारी डिटेल में समझाएंगे। ये वर्क ऑर्डर मैंने आपको बताया था, वर्क ऑर्डर में क्या क्या होता है। वर्क ऑर्डर में जिस भी गाड़ी में हम लैपटॉप कनेक्ट करेंगे वो सारा वर्क ऑर्डर हमें यहाँ मिलेगा, कौन सी गाड़ी में क्या फ्यूचर थे यहाँ से हमें मिल जाएंगे। अगर हमें इनसाइड इमेज भेजना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना तो भी यहीं से होगा और इसे एनालाइज भी यहीं से होगा। यहाँ पर आपको इसी की सीरियल नंबर, गाड़ी में कब लगा है उसकी डेट, व्हीकल नंबर सारे यहाँ से मिल जाएंगे। और इसके नीचे आता है टेम्पलेट, जो वर्क ऑर्डर बनता है उसी से हम टेम्पलेट बनाते हैं। टेम्पलेट किस लिए बनाते हैं, किसी गाड़ी का अच्छा एवरेज है तो उसका टेम्पलेट हम कॉपी करते हैं। दोस्तों, ये समझ में आया होगा आपको। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करें।
और अधिक जानकारी के लिए मुझे कमेंट जरूर कर दें दोस्तों। यह हमारा ट्रिप इन्फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर हमें सारी जानकारी मिलती है कि गाड़ी कितने किलोमीटर चली और कितना डीजल खा रही है और कितना यूरिया खा रही है। यहाँ से हम गाड़ी का माइलेज वगैरह निकाल सकते हैं। इसके नीचे का जो फीचर है वो हमारे बहुत कम काम आते हैं। और उसके बाद मैं आपको ये समझा रहा था ACM कनेक्ट करना बिल्कुल नॉर्मल है। और आप लोग में से कई लोग ऐसे जो घबराते हैं लैपटॉप कैसे लगाएंगे, लैपटॉप लगाना बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको समझाया, बेसिक समझाया है, और अधिक समझाने के लिए मैं आपके लिए वीडियो और अपलोड करूँगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करें और साईद ऑटो एक्सपर्ट को सपोर्ट करें भाई। आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, मैंने यहाँ से ओपन किया है, उसके बाद यहाँ से कनेक्ट होगा या फोल्ड कोड दिखेंगे, यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है अडेप्टर कौन सा लग रहा है हमारी गाड़ी में, उस अडेप्टर को सेलेक्ट करने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप अडेप्टर सेलेक्ट सही नहीं करोगे तो हमारा लैपटॉप कनेक्ट नहीं होगा गाड़ी से। वहाँ कनेक्ट करेंगे, वहाँ फोल्ड कोड देखेंगे दोस्तों। मैं आपको सारा वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, आप मेरा सपोर्ट करिएगा, वीडियो को ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर बताएं। थैंक यू, वेलकम।